प्रीति विद्यार्थिगळिगे नमस्कारगळु नानु रुद्रेश आचार्य हिंदी टीचर बीजेएस रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल शरत नगर शिवमोग्ग प्रीति विद्यार्थिगळे 10ने तरगतिय गिल्लू पाठद बग्गे इवत्तु नावु नोडोण इस पाठ का लेखक का नाम महादेवी वर्माजी ई पाठद लेखकियवरु महादेवी वर्माजीयवरु इस पाठ से स्नेह भावत प्राणिदयक सीक् मिलती है अरे ना पाठली ना स्नेह भाव मत प्राणिदय बे ना तकती पशुपक्षी स्वभाव और उनकी जीवन शैली अरे पशुपक्षी जीवन शैली मत अवभाव बे ना पाठली काबदे पाठद आशय आगे विद्यार्थी नावत परीक्ष के भाला मुख्यवाह पाठ आगे गिलू पाठद चिख वीडियो नोड़को अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउवल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदे दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी।
कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया।